आखिर इंदौर में यह क्या चल रहा है? कभी विधायक मारपीट करता है तो कभी इंदौर पुलिस। अगर कानून के रखवाले ही गुंडागर्दी पर उतर जाएं तो जनता आम जन का क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। आपको बता दें कि सदर बाजार थाना क्षेत्र के पोलो ग्राउंड में चौराहे पर पुलिस कर्मियों ने जमकर उत्पात मचाया। चेकिंग प्वाइंट पर दंपति के साथ पुलिस कर्मियों ने मारपीट की तो जमकर हंगामा हुआ, तो वहीं वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए सुरेश यादव एएसआई और सुरेश भदौरिया हेड कांस्टेबल को लाइन अटैच कर दिया। मगर बड़ा सवाल यह है कि आखिर कानून के रखवाले इंदौर की जनता के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? हम लोग जा रहे थे मानेश्वरी घूमने की गाड़ी जा रही थी, हमने बोला सर इसको रोको या हम गिरते गिरते बच्चे, उन्होंने उनको नहीं रोका और बोले गाड़ी के कागज दिखाओ। मैंने बोला सर डॉक्यूमेंट दिखा रही हूँ, बस को मत जाने दो, मैं डॉक्यूमेंट निकाल रही हूँ। डॉक्यूमेंट निकाले उतनी देर में मेरे हस्बैंड को मारने लगे, मैं बचाने गई तो मेरे को मारने लग गए पुलिस वाले। हाँ, भदौरिया और यादव और वो लेडीज जो खड़ी रहती है उसने भी हाथ उठाया, खूब मारा मेरे हस्बैंड को और मेरे को लातों से मारा। हस्बैंड आपके? हस्बैंड को वहाँ पर सदर बाजार में ले गए, वहाँ मारेंगे वो लोग पुलिस वाले। सर हूँ क्या सुन रहा हूँ आपका, कहाँ रहते हो आप? संगम नगर।